एसआरएच का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना गलत फैसला था। बिल्कुल, ऐसे ग्राउंड पे स्पेशली जहां ज्यादा ड्यू आता है शाम के वक्त, रात के वक्त, टॉस जीत के हमेशा पहले बॉलिंग करना चाहिए। मिचेल स्टार्क ने अपना बेस्ट इसी बड़े मैच के लिए बचा कर रखा था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो बचा के रखे थे। वो ट्राई कर रहे थे शुरुआत से ही, पर उनका फॉर्म हिट नहीं हो पा रहा था, रिदम नहीं आ रहा था। पर बड़े प्लेयर के यही निशानी होता है, बड़े स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। एसआरएच को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर सनवीर की जगह वॉशिंगटन सुंदर को लेना चाहिए था। जी, मुझे भी लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर को लेना चाहिए था, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग करते हैं और उसके साथ बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं, और केकेआर का बैटिंग लाइनअप में काफी लेफ्ट हैंडर्स था। राहुल त्रिपाठी के लिए समथ को अपना विकेट सैक्रिफाइस करना चाहिए था। जी बिल्कुल, पर मुझे लगता है कि ऑलरेडी राहुल त्रिपाठी हेजिटेट कर लिए थे और उसके बाद वो बस एक जोन में आके उस तरफ भाग लेते तो ऑलरेडी बहुत लेट था। पैट कमिंस आज पहली बार बतौर कप्तान आउट ऑफ शॉट नजर आए। जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका बैट्समैन काफी लो टोटल सेट किया, और उसके बाद शुरुआत में जब उनको ब्रेक थ्रू नहीं मिला तो वो लोग बस गेम में कैचअप खेल रहे थे। हेड अभिषेक पर ओवर डिपेंडेंसी एसआरएच को फाइनल से बाहर कर देगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ओवर डिपेंडेंसी की वजह से बाहर करेगी। टीम को एक साथ परफॉर्म करना होगा, एंड ऑफ द डे ये टीम स्पोर्ट है, तो उन लोग को दो ही जन के ऊपर नहीं डिपेंड करना चाहिए। चेपॉक के पिच पर सामने एसआरएच, आरआर या आरसीबी, कोई भी हो फेवरेट केकेआर है। देखिए, केकेआर की टीम का जितना बैलेंस अच्छा है अभी, मुझे नहीं लगता कि विकेट से कुछ फर्क पड़ने वाला है। पर अगर आरसीबी फाइनल पे पहुंचा तब एक बहुत ही टक्कर का मुकाबला होने वाला है।